हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं किल्ट सपोर्ट बेस फ्रेम के बारे में। दोस्त, हमको भी पता है कि जो किल्ट का रोटेशन होता है वो टायर और रोलर के ऊपर होता है। लॉन्ग किल्ट होता है, किल्ट का बिहेवियर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। कोल्ड कंडीशन में उसका बिहेवियर अलग होता है, हॉट कंडीशन में उसका बिहेवियर अलग होता है। उसमें ड्रामेटिकली एक्सपेंशन भी होते हैं, फ्लोट भी होता है करीब करीब 20 mm का। और रेनी सीजन में किल का अलग बिहेवियर होगा, हॉट कंडीशन में किल का अलग बिहेवियर होगा। इट्सेल्फ किल के इनसाइड में 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो किल के आउटलेट सेल है उसका टेम्परेचर करीब करीब 300 या 350 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि जो टायर और रोलर का जो मैचिंग एरिया है, टायर का मूवमेंट है रोलर के ऊपर में, जो उसका कांटेक्ट एरिया है वो करीब करीब 80% कांटेक्ट में रहना चाहिए, या मैं तो बोलता हूँ फुल कांटेक्ट में रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया। डिकेड बाय डिकेड इसमें न्यू इनोवेशन होता रहा कि बेस फ्रेम का डिजाइन कैसा होना चाहिए। उसी बेस फ्रेम पे ही सपोर्टिंग रोलर फिक्स होता है। जो सपोर्ट रोलर है वो जो भी जर्क पैदा हो रहा है किल के अनइवन अनकंडीशनल पैरामीटर के कारण, उसको वो विदस्टैंड कर सके। मान लीजिए हम कार में बैठे हैं, रोड उबड़ खाबड़ है, तो जब हम कार में बैठे हैं चलते हैं तो जो जर्क पैदा होता है उसको, या सस्पेंशन सिस्टम लगा रहता है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम लगे होते हैं, तो हमको जर्क पता नहीं चलता है इनसाइड हम जब गाड़ी में होते हैं, या बाइक में जाते हैं तो शॉकर लगे रहते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कुछ न कुछ कंपोनेंट होते ही होते हैं। तो यही सब को ध्यान में रखते हुए जो भी जर्क है, अनइवन कंडीशन में बिहेवियर है किल्न का, उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए, कैसे इसको विदस्टैंड किया जाए, इसके लिए हर डिकेड में इनोवेशन चलता रहा। अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट एरिया का टायर और रोलर के बीच में, कभी कभी क्या होता था दोस्त, पुराने वाले किल्न में आप देखते होंगे कि जो सपोर्ट बेस फ्रेम है वो फिक्स होता है कंक्रीट के साथ में। तो करीब करीब तीन टाइप के बेस फ्रेम होते हैं जिसपे सपोर्ट रोलर का टोटल असेंबली फिक्स होता है। पहला है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का जो बेस फ्रेम होता है वो टोटल सिविल फाउंडेशन के कंक्रीट में ही एम्बेडेड होता है। उसी में ही फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, उसी में ही जो भी फिक्सिंग अरेंजमेंट है टोटल कंक्रीट स्ट्रक्चर में ही फिक्स रहता है, और उसके ऊपर में सपोर्ट रोलर फिक्स रहता है। तो जो भी अनइवन कॉन्टेक्ट है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, ड्यू टू वियर, मान लीजिए आपका चेयर पैड घिस गया क्योंकि उसमें माइग्रेशन है, तो टायर का इनसाइड या चेयर पैड घिस जाता है। जो सपोर्ट रोलर का रोलर है वो भी धीरे 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 ईयर बाय ईयर उसमें भी वेरिएशन आ जाता है, वो भी घिस जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर रोलर और टायर का मैचिंग एरिया डिफरेंट हो गया, एक साइड में अगर कांटेक्ट हो रहा है केवल 30% कांटेक्ट आ रहा है ओनली टायर और रोलर का, तो अनइवन बियर होगा रोलर में, कन्वेक्स कनकेव टाइप का बियर बिहेवियर जनरेट होगा रोलर और टायर में। स्मूथ और प्रॉपर तरीके से वियर रेट हो उसके लिए सेकेंड टाइप का किल सपोर्टिंग रोलर बेस फ्रेम डिजाइन हुआ, उसको बोलते सेमी रिजिड सपोर्ट। दोस्त, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेस फ्रेम है उसको ऐसा डिजाइन किया गया जो भी जर्क या जो भी वेरिएशन किल के द्वारा पैदा होती है उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए करीब करीब 3 या 4 mm तक। तो उसके लिए क्या किया गया, जो बेस फ्रेम है इसको रखा गया फ्री, सेंटर पिवोटेड सिस्टम लग गए, सेंटर बेस फ्रेम एक ही बेस फ्रेम है दोनों सपोर्टिंग रोलर के लिए, टायर दो सपोर्टिंग रोलर के ऊपर में चलते हैं, तो दोनों सपोर्टिंग रोलर का जो फिक्सिंग है वो सिंगल बेस फ्रेम पे ही कर दिया गया, और सेंटर में पिवोटेड टाइप का अरेंजमेंट करके उसको फिक्स कर दिया गया। अब जो बेस फ्रेम है वो अप डाउन भी हो सकता है और टू एंड फ्रो
कुशन भी उसमें हो सकता है। तो ज़्यादा वेरिएशन ना हो और ज़्यादा अप डाउन ना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है इलास्टोमर पैड, जो कि रबड़ का होता है, उसका हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, वो जो भी जर्क है उसको विदस्टैंड कर सकता है। तो मतलब अभी सेमी रिजिड सपोर्ट में ये फायदा हो गया कि हमारा बेस फ्रेम है कि जो भी जर्क है, मेजर जर्क है, उसको विदस्टैंड कर लेगा, कंपोनेंट टूटने नहीं पाएगा। इवन जो बियर रेट है, जो बियर बिहेवियर है टायर और रोलर का, वो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं कन्वेक्स और कनकेव बन जाएगा, वो एक स्मूथ वे में होगा, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो सपोर्ट रोलर के इनसाइड में व्हाइट मेटल ब्रोंज बेयरिंग है, उसका बेयरिंग स्फेरिकल सरफेस है, वो भी थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करने की बिहेवियर उसके इनसाइड में होती है कि 3 या 4 mm तक वो विदस्टैंड कर सकता है, अपने पोजीशन का मूवमेंट को चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर माइग्रेशन ज़्यादा हो गया, बियर रेट ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में किलन को भी चलाना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में सेमी रिजिड सपोर्ट अलोंग विद द जो स्फेरिकल बेयरिंग में मूवमेंट का कुशनिंग इफेक्ट है, उसको विदस्टैंड करने की क्षमता है, वो थोड़ा सा हैंडल हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त कि आज के डेट में फिक्स या रिजिड सपोर्ट ही ऑब्सोलीट हो गए, नहीं, आज के डेट में भी मेजर सप्लायर है वो रिजिड सपोर्ट अभी भी देते हैं। शुरू शुरू में नहीं पता चलता है दोस्त कि प्रॉपर उसका अलाइनमेंट किया गया है और 100% कांटेक्ट है, और बीच बीच में कांटेक्ट को लीड वायर टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है कि उसमें जो प्रेशर इम्प्रेशन है वो कितना आ रहा है, तो पता चल जाता है कि भाई 80% या 70% का कांटेक्ट आ रहा है रोलर सरफेस से, दैट इज ओके, वो पता चलता रहता है। 5-6 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, लेकिन जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे, 5 साल के बाद में चेयर पैड घिसेगा, अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन हल्का सा नहीं हुआ या कोई भी वेरिएशन आएगा, या कितना भी आप लुब्रिकेशन कर लीजिए, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता ही है, स्लिपेज होते ही है, माइग्रेशन होता ही है, रिलेटिव मोशन टायर और चेयर पैड के बीच में होते ही हैं, तो उसमें बियर आना लाजमी है, आएगा ही आएगा। तो उस कंडीशन में कहा अनइवन सरफेसेस जनरेट होंगी, अनइवन गैप्स जनरेट होगा, एयर या हॉट एयर गैप वो बढ़ेगा टायर और किल सेल के ओडी में। तो इसको सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैं तो बोलता हूँ कि सेमी रिजिड सपोर्ट बेहतर होता है, उस पर हम लोगों को जाना चाहिए। और तीसरा, सेल्फ अलाइनिंग सपोर्ट बेस फ्रेम। ये जनरली अगर हम देखते हैं कि 2 टायर डिजाइन का किल्न है, जहाँ पर ओनली 2 टायर है टोटल थ्रू आउट किल्न के लिए, तो जो भी वर्टिकल वेरिएशन है, जो भी हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है किल्न का मूवमेंट में, उसको विदस्टैंड करने के लिए सेल्फ अलाइनिंग टाइप का सपोर्ट सिस्टम दिया गया। करीब करीब उसका डिजाइन तो सेम ही होता है जैसे सेमी रिजिड सपोर्ट का है, बस इसमें फर्क ये है जो इलास्टोमर पैड है सेमी रिजिड सपोर्ट का, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पीओटेड टाइप। तो जो बेयरिंग हाउसिंग असेंबली का जो सीटिंग है वो भी पीओट हो जाएगा, और टोटल बेस फ्रेम वो भी पीओटेड रहता है, तो उसका जो वेरिएशन है, कुशनिंग इफेक्ट है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या है, मेजर हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो भी चेंजेस होते हैं बेस फ्रेम में, जो भी डिज़ाइन इनोवेशन हो रहा है, पर्पज यही है कि टायर और रोलर का प्रॉपर कॉन्टेक्ट हो। जितना कॉन्टेक्ट उसका ज़्यादा होगा, उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी रोलर असेंबली की ज़्यादा होगी, उतना मेंटेनेंस फ्रेंडली होगा, उतना उसका लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए इस सबका इनोवेशन डे बाई डे, ईयर बाई ईयर होता रहता है। दो, सेल्फ अलाइनिंग सपोर्ट सिस्टम में ये भी आता है कि जो ऑटो स्क्विंग बिहेवियर है, किल का स्क्यू करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट, कभी कभी टेम्परेचर कंट्रोल में आता नहीं है, अलाइनमेंट है, बियर बढ़ गया है या वेरिएशन ज़्यादा आ गया, तो उसका स्क्यू करना पड़ता है। दोस्त आगे चल के हम कैसे रोलर का स्क्यू करते हैं बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे कि टायर के मूवमेंट के हिसाब से कैसे हम रोलर को दबाएंगे, अगर इस साइड में आ रहा है तो कैसे इसका बिहेवियर होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बहुत ही विधिवत बताऊँगा। तो सेल्फ अलाइनिंग सपोर्ट सिस्टम में एक आता है आइकन डिजाइन का, जो कि हमारे प्लांट में भी लगा हुआ है, सेंटर में इसका इनोवेशन किया गया है।
लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आज तक ये चला नहीं है। जो भी इसमें न्यूमेटिक पिस्टन सिलेंडर लगे हैं, जो भी हाइड्रोलिक ऑपरेटेड हैं, इसमें एक्यूमुलेटर ब्लेडर लगा है कि जो भी शॉर्क एब्जॉर्बर आएगा, जो भी शॉर्क एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी है किल के बिहेवियर के हिसाब से, वो ऑटो एडजस्टमेंट टाइप का टोटल फ्लोटिंग सिस्टम लगा हुआ है। दोनों बेस फ्रेम आपस में मूव कर सकते हैं हाइड्रोलिकली, सर्टेन प्रेशर इंटरवल पे प्रोपोर्शनेट वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है टोटल सिस्टम। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ये पीएसपी डिजाइन मेक का है। जो भी इसका हाइड्रोलिक सिस्टम का अरेंजमेंट है वो अभी हमारे यहाँ कमीशन नहीं हुआ है, अभी अंडर ट्रायल में है, लेकिन इसका जो भी डिजाइन है वो आप देख सकते हैं। टोटल जैसे रोल प्रेस का रोलर का मूवमेंट है कि सर्टेन प्रेशर के बाद में प्रोपोर्शनेट वाल्व काम करेगा, उसके बाद में ऑटो पंप चल के फिर प्रेशर हम उतना डेवलप कर सकते हैं, तो वो सिस्टम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन हमेशा कुछ न कुछ वेरिएशन आता रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहे, तो इसलिए इसको एज ए रिजिड सपोर्ट ही बना के रखा गया है। जो सेल्फ अलाइनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि इसमें जो हर्ज प्रेशर है, जो टायर और रोलर का कांटेक्ट एरिया है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत यूनिफॉर्म मिलता है, और इसका जो परफॉर्मेंस है, लाइफ है, वो थोड़ा नॉर्मल किल के हिसाब से वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप सेमी रिजिड डिज़ाइन में ही जाएँ, उसमें जो इलास्टोमर पैड है हल्का सा कुशनिंग इफेक्ट ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कांटेक्ट मिले टायर और रोलर के बीच में, जो कि हर्ट्ज प्रेशर है वो टोटल थ्रू आउट हो, उसका चेकिंग आप बीच बीच में करते रहिए, लीड वायर टेस्ट करते रहिए कि कितना कांटेक्ट हमको टायर और रोलर के बीच में मिल रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी बेस फ्रेम के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।